विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे। क्या रणबीर कपूर थे भंसाली की पहली पसंद? कितना अलग होगा रणवीर सिंह के लिए ये रोल? ये साल अगर किसी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा बुरा रहा है तो वो है बॉलीवुड। बॉलीवुड एक ऐसा बिजनेस जहां बिजनेस करने वालों को देवता और भगवान माना जाता है। लोग अपने फेवरेट एक्टर्स को ना सिर्फ स्टार मानते हैं बल्कि कुछ तो उनकी पूजा भी करते हैं। उनकी एक झलक भर पाने के लिए लोग कई कई घंटे स्टार्स के घर के बाहर इंतजार करते हैं, सालों भर अपने फेवरेट एक्टर्स के मूवीज का इंतजार करते हैं। और आज ये हाल है कि 100-200 करोड़ की लागत से बनी फिल्में अपना बजट करोड़ तक भी नहीं ला पा रही है। क्या आमिर, क्या सलमान, सबकी फिल्में औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर पटकी जा रही है। पर इन सबके बीच एक ऐसी फिल्म भी आई जो ना सिर्फ हिट हुई बल्कि आलिया भट्ट को एक बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में भी उभारा। इस फिल्म यानी कि गंगूबाई ने बॉलीवुड को यह एहसास दिलाया कि जनता की पावर क्या होती है। अब घिसी पिटी सेम फॉर्मूले वाली फिल्म नहीं चलेगी। ऑडियंस ने ये दिखा दिया बॉलीवुड को कि उन्हें असली सिनेमा चाहिए। और संजय लीला भंसाली से अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस भला और कौन ही क्रिएट कर सकता है। और अब एक बार फिर अपनी सफलता का डंका बजाने संजय लीला भंसाली अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बैजू बावरा की तैयारी में जुट चुके हैं। बैजू बावरा एक म्यूजिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें एक ऐसे इंसान की जर्नी दिखाई जा रही है जो तानसेन को संगीत में हराने की चाह रखता है। और आप सब तानसेन के बारे में तो जानते ही होंगे, एक ऐसे महान गायक जिसकी गायकी से दिए जल उठते थे। बड़े पर्दे पर तानसेन जैसे कैरेक्टर को डिपिक्ट करना या फिर उसके पार्टनर की गायकी के बारे में सोचना ही काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। तो फिर सोचिए कैसा होगा बैजू का कैरेक्टर जो की तानसेन को भी मात दे दी। बैजू के किरदार के लिए संजय लीला भंसाली ने पहले तो रणबीर कपूर को अप्रोच किया था पर किन्हीं कारणों से रणबीर के बीच बात नहीं बनी। और अब ये खबरें आ रही है कि संजय लीला भंसाली अपने फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह को इस बड़ी फिल्म में कास्ट करेंगे। एक वॉरियर के रूप में तो हमने रणवीर को पहले भी कई बार देखा है पर एक गायक के रोल को कैसे निभाएंगे वो ये तो देखने लायक होगा। क्या आपको रणवीर सिंह पसंद है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।